नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़, मैं राशिद अली। मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से एक खबर सामने आई है जहां पर नेता अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए ना जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। जी हां, राजनीति में सब कुछ वाजिब भी है, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ करता है, कोई नई नई हथकंडे अपनाते हैं, कोई अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि जिससे नेता जीते, जिससे सरकार जीते, जिससे वहां उनकी पार्टी जीते और सरकार बने। जी हां, ऐसे ही एक खबर आई है मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज सरकार लगातार प्रयास करने में जुटी है। जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि शिवराज सरकार अब से पहले कई मुसीबतों में गिर चुकी है, कहीं ना कहीं बार बार एक मुसीबत हटती नहीं तो दूसरी शिवराज सरकार पर मुसीबत आ जाती है। अब ऐसी ही खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर चुनाव से पहले आदिवासियों पर डोरे डाल रही है शिवराज सरकार। जी हां, आदिवासियों पर क्यों डोरे डाल रही है? क्या आदिवासी समूह वहां पर, आदिवासी समुदाय वहां पर ज्यादा वर्चस्व रखता है? कितनी आबादी में है आदिवासी समूह? क्या यह आदिवासी समुदाय वहां के चुनाव को प्रभावित कर सकता है? जी हां, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एक खबर आई है कि वहां पर कि किस तरह से शिवराज सरकार लुभाने में लगी हुई है आदिवासी समुदाय को, क्योंकि आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है कि कुछ समय पहले शिवराज सरकार जो कि किसानों को भी लुभाने के लिए लगी हुई है, जहां एक तरफ किसानों को लुभाने के लिए, शिक्षकों को लुभाने के लिए, वहां की जनता को लुभाने के लिए, और अब वहां पर आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए। जी हां, मैं आपको बता दूं, एक खबर आई है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए आदिवासी मतदाताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, हाल ही में वहां पर उपचुनाव भी हुए थे, दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे, कोलारस और मुंगावली, जिसमें दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद ये लड़ाई और भी तेज हो गई, जिसमें कहा जाने लगा कि कांग्रेस की ताकत दुगनी हो रही है। जी हां, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हुए दो उपचुनावों में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। दोनों नेता गांव-गांव जाकर पसीना बहाते घूम रहे थे। शिवराज जहां जनता से 5 महीने के लिए जिताने की बात कर रहे थे, तो वहीं सिंधिया का कहना था कि 15 साल शिवराज कहां रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनावी रथ खिरिया पहुंचा, जहां वो रथ के ऊपर लिफ्ट से निकलकर मुंगावली विधानसभा के लोगों से इस बार बीजेपी को उम्मीदवार बाई साहब यादव के लिए वोट मांग रहे थे। उनका दावा था कि 5 महीने के लिए ही जिता दो तो इलाके की तस्वीर बदल देंगे। शिवराज कहते थे कि आप सबसे निवेदन है, चुनाव 5 महीने का है, मेरे कहने से बाई साहब को जिताएं, मैं 5 साल का काम 5 महीने में करके दूंगा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े थे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बर्रा, पिपरई, केशवपुर, खोक्सी जैसे गांवों से उनका काफिला दौड़ता नजर आया और पीछे पीछे आवाज़ महाराज की जय। मुंगावली और कोलारस की सीटें कांग्रेस विधायकों की मृत्यु से खाली हुई थी। सिंधिया की लोकसभा सीट में आने वाले कोलारस मुंगावली को वो सीधे शिवराज बनाम सिंधिया से जोड़ते थे। तो वहीं आपको बताएं कि सिंधिया की ललकार का शिवराज पर कुछ यूं जवाब देते थे कि वो ऐसा क्यों कहते हुए दिखते हैं कि मैं कुश्ती में थोड़े ही लड़ने आया हूँ, जिसके जवाब में ज्योतिरादित्य कहते हैं तो वो यहाँ 5 महीने से कर क्या रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने मुंगावली और कोलारस दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है, क्योंकि बड़ी आशंकाएं बन रही थी कि आखिर इस लड़ाई में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, और इसका अंदाज़ा आने वाले विधानसभा चुनावों में CM पद की उम्मीदवारी को लेकर ज़्यादा था, क्योंकि जो पार्टी इसमें जीतती तो उससे जनता का रुख पता चलता। जैसे कि अब उपचुनाव में कांग्रेस जीती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस की मजबूती ज़्यादा है, क्योंकि अगर बीजेपी जीतती तो वो भी यही अंदाज़ा लगाती, और इससे जो बैकफुट पर नज़र आ रही और जो सत्ता से दूर है कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत हुई है, और मजबूती के साथ साथ कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी भी अब ज़्यादा मजबूत होगी। तो वहीं अब आने वाले विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, नवंबर तक ये विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले जाहिर सी बात है ये देखना होगा कि अब सरकारें क्या क्या करेंगी, अब दोनों ही नेता कौन से मुद्दे उठाएंगे। एक तरफ शिवराज सरकार लोगों को लुभाने के लिए क्या वादे करेगी, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया
कांग्रेस नेता बीजेपी को किन मुद्दों के चलते घेरते हैं? उनका मुद्दा यही है कि इतने सालों से बीजेपी कहाँ थी, कि वो इतने सालों से लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही थी। तो वहीं बीजेपी सरकार यानी कि शिवराज सरकार लगातार लोग लुभावन के लिए एक के बाद एक वादे करती नजर आ रही है, जिससे लोगों को अवैध दिल जीत सके। वहीं कांग्रेस है जो उनके हर मंसूबों पर पानी फेर रही है और उनका जमकर विरोध कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये लड़ाई यानी कि मध्य प्रदेश के दो विधानसभा चुनाव की लड़ाई कहीं ना कहीं सिंधिया बनाम शिवराज हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर खबर में क्या है। जी, अनुसूचित जाति वर्ग की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए आदिवासी मतदाताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। आदिवासियों के लिए नई योजनाओं की घोषणा के साथ ही उनका क्रियान्वयन भी तेजी से कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के रामनगर में एक बड़ी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं और उससे पहले वहां पर माहौल बना रहे हैं शिवराज सरकार। जी हां, बीजेपी का गणित पिछड़े और आदिवासी वर्ग को साथ लेकर सरकार बनाने का है। आदिवासियों को लुभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान उनके साथ नृत्य कर रहे हैं और घर घर जाकर खाना खा रहे हैं। आखिर ये घर घर जाने का दौर केवल चुनाव के वक्त ही क्यों दिखता है? कोई भी पार्टी हो, चुनाव जीतने के बाद या एक लंबे कार्यकाल के बाद तो ये दिखता नहीं। जी हां, आपको बता दें राज्य में आदिवासी के वर्ग के लिए विधानसभा की कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। राज्य में लगभग 21% मतदाता आदिवासी हैं। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, जिसको शिवराज सरकार तोड़ने में लगी हुई है। जी हां, जिसको वो अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी लगभग 16% है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 35 है। अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच विभाजित हो जाते हैं। आदिवासी मतदाताओं में BSP की कोई पैठ नहीं है। राज्य में कुल 21 जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। तो अब आप समझ गए कि आखिर ये कितना महत्वपूर्ण रखते हैं। जी हां, आदिवासी ब्लॉक की अगर बात करें कि संख्या 89 की, तो वहां वर्ष 2003 के चुनाव में पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महाकौशल के आदिवासी इलाके में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कारण कांग्रेस को चुनाव में लगातार नुकसान हो रहा है। इसी क्षेत्र में जैस नामक संगठन तेजी आदिवासी के बीच अपनी पैठ बना रहा है, जो कि वहां का समुदाय है। आदिवासी मतदाता का मन अभी भी भ्रमित दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी हो कि आखिर कहीं ना कहीं सरकार उनको लुभाने में जरूर लगी हुई है। तो ऐसा क्यों? जी हां, जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस वो लगातार वहां पर प्रयास कर रही है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि शिवराज सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाई जाए, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि गुजरात के धुरंधर, जो कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर, ये भी मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगे चुनाव के दौरान। जी हां, क्योंकि वहां पर ये नेता हाल ही में हमने आपको बताया था कि पहुंच चुके और वहां पर धीरे धीरे अपनी पैठ बना रहे हैं और अपने समुदाय को ये इकट्ठा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये चाह रहे हैं कि वहां पर भी गुजरात जैसा, जिस तरह से अगर आपको याद होगा कि कांग्रेस ने इन तीनों धुरंधरों के साथ मिलकर तीनों धुरंधरों को अपनी ओर खींचकर कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था, भले ही सरकार नहीं बनाई लेकिन प्रदर्शन इनका बहुत बेहतर था। और इसी तरह अगर ये मध्य प्रदेश में भी करें तो शायद बाजी पलट सकती है, क्योंकि ठीक वैसे ही गुजरात में भी बाजी पलट सकती थी, क्योंकि गुजरात में अमित शाह ने 150 से ज़्यादा सीट लाने का वादा किया था और वो महज 100 पर ही सिमट कर रह गई थी, यानी कि 50 सीटों का उनके अनुसार। और अगर आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुजरात में बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ था, जो कि केवल और केवल कांग्रेस की वजह से था। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार क्या इन वादों से, हाल ही में उन्होंने किसानों के लिए वादे करे हैं, हाल ही में उन्होंने शिक्षकों को भी लेकर वादा किया था, और अब वो आदिवासी समुदाय को अपनी ओर लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार पर भरोसा जता पाएगी, शिवराज सरकार को दोबारा लाएगी, या फिर वो इस बार
जो कि बदलाव करेगी और कांग्रेस को लाना चाहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे ऑप्शन दो ही है, बीजेपी या कांग्रेस, जो कि बीजेपी सरकार में है। और अब देखना होगा कि क्या वहां की जनता कुछ बदलाव चाहेगी और क्या कांग्रेस को लाएगी, क्योंकि कांग्रेस का एक अभी जो मुख्य चेहरा है, एक तो वहां के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और दूसरे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन अभी उम्मीदवार की कोई भी पूरी कोई भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कौन सा चेहरा उम्मीदवार का सीएम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।